गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इट्स डे 5 एंड हम मनाली के लिए निकल चुके हैं एंड सुबह 5:30 5:15 AM हम निकल चुके थे लेह से एंड अभी टाइम हो रहा है 7:10 AM। तो 7:10 AM हो चुके हैं एंड अभी आई एम नॉट श्योर किस जगह है हम। तो अभी 4 पासेज आएंगे तो मैं आपको साथ साथ दिखा के जाऊंगी। तो अभी हम बर्फीले पहाड़ों पे हैं एंड टेम्परेचर हो रहा है -6 degrees जो सेंसर में आ रहा है हमारी गाड़ी के। तो करंटली दिस इज़ द व्यू। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। सो फाइनली वी रीच दिस 12th हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड, तांगलांगला पास, ऑल्टीट्यूड ऑफ 17,482 feet। सो दिस इज़ द व्यू। सो अभी हम निकल रहे हैं बिकॉज ज़्यादा देर खड़े नहीं होना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड अभी टेम्परेचर है -8। सो मैं आपको बताना भूल गई, जो तांगलांगला पास था वो हम पहुंच गए थे 7:15, मतलब हम 5:15 घर से निकले, ले के होटल से निकले थे। तो आई गेस पूरे 2 घंटे के अंदर हम उस फर्स्ट पास पे पहुंच गए थे। सड़क इज़ लाइक रोड कंडीशन, मैं आपको बता दूँ जस्ट फॉर 1 मिनट थोड़ी ख़राब है, बीच में सही आ जाती है, इस बीच में मतलब टूटी हुई है सड़क, इतनी भी नहीं एंड ठीक है, बाकी अब तक तो सही चल रही है, रोड कंडीशन इज़ गुड। एंड वन मोर थिंग मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, जस्ट लुक एट द पैकेट्स ऑफ चिप्स, पूरे भर चुके हैं, इट्स लाइक वेरी मच फ्लफी, हवा भर चुकी है इतने हाइट पे आके, यूजुअली इट हैपेंस। एंड और दिखाती हूँ मैं, लुक एट दिस। यूजुअली चांसेस होते हैं कि, मैंने वीडियोस देखी थी कि लोग कहते हैं कि ये फट भी जाते हैं, सो प्रेफर करना आप इसको एक बड़े से पॉलिथिन में बांध के ही रखो कि अगर फटता भी है तो कुछ इतना वो ना हो, फैले ना आपकी गाड़ी में। सो अभी तक तो यही है, आगे जाके आई विल लेट यू नो अबाउट द रोड कंडीशंस, अबाउट द वेदर। सो टाइम है अभी 7:41 AM। तो फर्स्ट पास आप क्रॉस करोगे तो आफ्टर लाइक 15 to 20 minutes यू विल सी दिस रोड एंड ये मोरी प्लेन्स है। आपको ये रास्ता 40 kilometers तक ऐसा ही मिलेगा, रोड कंडीशन इज़ गुड, बीच बीच में जस्ट थोड़ा सा जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग होती है यूजुअली, तो बीच बीच में आता है ख़राब रास्ता, इतना भी नहीं जैसे आई विल लेट यू नो जैसे ये आया है अभी, समथिंग लाइक दिस, ऐसा रास्ता आता रहेगा बीच बीच में। वैसे रोड कंडीशन इज़ गुड बट 40 किलोमीटर्स तक आपको ऐसे ही रोड मिलेगी प्लेन। तो हम 8:30 पांग पहुंच गए थे, वहाँ पे हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, इट टुक अस अराउंड 1/2 hour एंड अभी टाइम हो रहा है 9 AM। तो अभी हम यहाँ से चले हैं, लेट्स सी आगे रोड कंडीशंस क्या है। पैंग से आगे लाइक 10 to 15 minutes क्रॉस करने के बाद ये वाटर क्रॉसिंग है। ये सी की गाड़ी यहाँ
अभी अभी और भी सुनने में आया कि वाटर क्रॉसिंग्स आएंगी। इट्स 9:52 AM एंड वी हैव रीच्ड लाचुंगला पास एट द हाइट ऑफ 16,616 feet। तो ये है व्यू। तो लाचुंगला पास सेकेंड पास है, अभी दो और पास क्रॉस करने हैं, नकीला पास एंड लास्ट वन इज बारा लाचला पास। तो टिल लाचुंगला पास रोड कंडीशंस मैं आपको ये बता देती हूँ कि ना ही बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छी जिसको हम कहते हैं कि प्लेन रोड, और ना ही बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब आई विल से कि बिल्कुल ही खड्डे ऐसी भी नहीं है, कंक्रीट टाइप है, मतलब प्लेन सड़क नहीं मिलेगी आपको। अभी भी देखो जैसे ये रोड कंडीशन है तो वैसी ही मिलेगी, इससे हल्की सी और ख़राब मिलेगी। तो वी हैव क्रॉस्ड लाचुंगला पास एंड आगे देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम थर्ड पास तक, नकीला पास। एंड अभी वेदर ठीक है, अभी टेम्परेचर 4 degrees Celsius है। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नकीला पास नाउ। अभी बहुत दूर है एंड टाइम हुआ है 10:11 AM। ऑलमोस्ट लाइक 5 घंटे हो चुके हैं हमें ले के होटल से निकले हुए। रोड कंडीशन सेम है, कंक्रीट टाइप ऑफ रोड, बहुत ही ख़राब नहीं कह सकते, बहुत ही अच्छी नहीं कह सकते, बट एज पर माय नॉलेज, मतलब जो मुझे पता लगा है लोगों से कि 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता ऐसे ही है टिल नकीला पास, फ्रॉम लाचुंगला टू नकीला पास। बट लेट्स सी कि क्या पता कुछ इम्प्रूव हुआ हो, इम्प्रूव हो भी जाता है। जैसे अभी जैसे रेनी सीजन नहीं है, है ना, तो कुछ लोग कहते हैं इम्प्रूव हो चुका है, नहीं हो चुका, बट ये अभी हमें पता लग जाएगा। सो जैसे ही नकीला पास पहुँचता है विल लेट यू नो लाचुंगला टू नकीला पास का रास्ता कैसा है, बट करंटली ये ऐसे ही है, कंक्रीट टाइप ऑफ रोड। एंड आप व्यूज भी देख सकते हैं, टेम्परेचर भी बता देती हूँ आपको, 8 degrees Celsius है। आई मस्ट सजेस्ट कि जैसे अगर आपको कभी श्रीनगर टू ले टू मनाली कवर करना है, सो आई मस्ट से यू कि अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको ट्रैफिक ना मिले, आप इजीली ड्राइव करो, है ना, तो कुछ लोगों को होता है कि ईजिली हम निकल पाए इस रास्ते से। सो आई मस्ट सजेस्ट यू, अक्टूबर इज़ द बेस्ट मंथ। अक्टूबर स्टार्टिंग से लेके 15 to 16 अक्टूबर के बीच यू कैन ट्रैवल फ्रॉम श्रीनगर ले टू मनाली एंड देन यू कैन गो बैक टू योर होम टाउन। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम एंड सीजन कि आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी ट्रैफिक, विदाउट एनी रेनी सीजन, तो दिस इज़ अ गुड टाइम। 10:15 हम नकीला पास पहुंच चुके हैं। रोड कंडीशंस अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, लास्ट क्लिप में, आई एम सॉरी। सो रोड कंडीशंस ऐसे ही है, दिस इज़ द व्यू, यू कैन चेक इट आउट। तो आपको बीच में कुछ ऐसे सीन भी देखने को मिलेंगे विच इज़ लाइक आपको डर लगेगा कि ये चीज़ें देख के, अपने सामने देखो एक ट्रक पलटा हुआ है, सीम्स टू बी वेरी स्कैरी, ऐसा किसी के साथ ना हो। ये देखिए अभी हम रोक नहीं सकते हैं, बट दिस इज द थिंग। सो आई मस्ट सजेस्ट यू शुड ट्राई carefully and with patience। Speed कभी भी
हाई मत रखो, क्योंकि ये जो रोड है इट्स अ सिंगल लेन एंड कभी भी एकदम से सामने कोई आ जाता है, सो अपनी स्पीड मेंटेन रखो। आई मस्ट सजेस्ट यू दैट। गाइस, ये एक जगह है, मैं आपको थोड़ी देर में स्टोरी बताती हूँ। यह बॉटल्स ही बॉटल्स है पानी की, ठीक है। एंड मैं आपको बताती हूँ इसकी स्टोरी क्या है। तो इस जगह की स्टोरी ये थी कि जैसे मुझे, मैंने जितनी भी यूट्यूब वीडियोज़ देखी है, आई एम नॉट श्योर आई एम राइट और रॉन्ग, बट इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था बहुत टाइम पहले। एंड जो ड्राइवर था ही वॉज आस्किंग फॉर द वाटर, बट उस टाइम पे जो भी एक या दो या तीन जने निकल रहे थे सबके पास पानी ख़त्म था। एंड यू नो ही वॉज इन द नीड ऑफ वाटर उस टाइम पे, जिस हिसाब से उसकी कंडीशन थी। एंड पानी ना मिलने की वजह से ही वॉज डेड। एंड उसके बाद जितने भी लोग वहाँ से निकलते थे, आई एम नॉट श्योर इज इट ट्रू और नॉट, तो जितने भी लोग निकलते थे हिज सॉल, मतलब उसकी जो आत्मा होती थी, तो वो उनको रोक के ही यूज टू बेग फॉर वाटर। और जब वो मतलब पानी कोई भी देता था उसको, यूज टू से दैट पर्सन, कि हर किसी को बोलना कि यहाँ पे जो भी आएगा ना, यहाँ पे एक बॉटल पानी की जरूर चढ़ा के जाना। सो ऐसे करते करते वो उसने आई गेस 100 to 150 लोगों को रोका है फॉर द नीड ऑफ वाटर। एंड उसके बाद ये सबको ये कहानी पता लगी, एंड एवरी वन इज़ लाइक यहाँ पे पानी चढ़ा के जाते हैं, पानी के बॉटल चढ़ा के जाते हैं इस जगह पे जहाँ पे ही वॉज डेड। सो वो यही जगह थी एक्चुअल में, स्टोरी यही है। आई एम नॉट श्योर कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, बट इट्स रिलेटेड टू समथिंग दिस ओनली। So we have reached Sarchu at 11:21 AM. Right now it's 11:21 AM. And ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं one at a time. And अभी थोड़ी बहुत water crossings है, I will show you. Sarchu के just साथ ही है cross करते ही। रास्ता भी ठीक नहीं है अभी, एक्चुअली 12 लाचला पास आया ही नहीं है, तो रोड कंडीशंस आप देख लीजिए, कंप्लीट वाटर क्रॉसिंग है, सो बी केयरफुल। क्रॉसिंग क्रॉस हो चुकी है सक्सेसफुली, एंड
एंड अभी आई गेस थोड़ी देर बाद बादल आंचला आ जाएगा. आई विल शो यू. सो अभी टाइम हुआ है 11:44 AM एंड जो लास्ट क्लिप में जो आपको दिखा वाटर क्रॉसिंग, उसके हाफ एन आवर आगे आने के बाद कुछ ऐसी रोड है. एक पुल आया था अभी एंड उसके बाद कम्प्लीटली ऐसी रोड है. पता नहीं कहाँ तक ऐसे ही जाना पड़ेगा, नॉट श्योर. आगे जो ट्रक है वो भी देखा था जो बहुत ही गंदा रास्ता था वो आई गेस ओनली फॉर 1 मिनट और 1.5 मिनट का था. उसके बाद ऐसी रोड आ गई है एंड ऐसा व्यू आ गया है. यू कैन जस्ट चेक दिस आउट. साथ में नदी बह रही है एंड पहाड़ भी शुरू होने वाले हैं बर्फ वाले. बाड़ा लाचला पास इज अबाउट टू कम आई गेस इन 10 to 15 minutes. अभी टाइम हुआ है 11:53 AM एंड बट स्टिल अगर आप इस लाइक ऐसे आप रोड देखो टू लेन है ना, होता है कि चलो यार स्पीड बढ़ाते हैं भगाते हैं गाड़ी. डोंट ट्राई दिस. स्टिल अपनी स्पीड स्लो ही रखना क्योंकि सामने से नहीं पता होता है. एकदम से कभी कोई खड्डा आ जाता है, एक्चुअल में होता है ये, एकदम से कोई खड्डा आ जाता है कि पता नहीं लगता. इनफैक्ट हमारे साथ भी एक दो बार हो चुका है कि वी ट्राइड बट एकदम से ऐसा खड्डा आता है कि हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हो चुकी थी. तो वो थोड़ी सी अफेक्ट हुई थी बट उसके बाद वी डिडंट ट्राई टू डू दैट. सो अकॉर्डिंगली आपके लिए भी ये टिप है. तो ये बाहर टेम्परेचर अभी 8 degrees Celsius है. अभी और कम हो जाएगा जैसे ये स्नो वाले पहाड़ पास आएंगे. और इट्स 12 PM एंड अभी 5 मिनट पहले कुछ ऐसी रोड थी जहाँ बहुत ही ज़्यादा खड्डे थे और हमें सिर्फ हमारी गाड़ी, इट टुक अस 4 to 5 minutes क्योंकि गाड़ी निकल ही नहीं रही थी, टायर फंस रहे थे. तो अभी अबिट आगे आके लाइक 1 मिनट आके आके अभी भी ये कंडीशन है. अभी भी आगे रोड ये देखिए ठीक नहीं है. पीपल आर फेसिंग इशू वाइल क्रॉसिंग. आई विल शो यू. यू कैन सी दिस कैसे बस टेढ़ी हो रही है. इट्स रियली रिस्की ओवर हियर. बारा लाचला पास आ चुका है ये रहा. हम इसलिए नहीं रुके बिकॉज पीछे बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है. एक बार रुके तो रुके रह जाएंगे क्योंकि पिछले क्लिप में जो मैंने आपको दिखाया था इट्स लाइक वहाँ 45 मिनट खड़े रहे. हमारा लाइक 45 मिनट्स ख़राब हुए एंड टाइम हो रहा है अभी 1:04 PM. हमने पहुँच जाना था जल्दी बट ड्यू टू बैड रोड कंडीशन हम नहीं चल पाए फॉर द 45 मिनट्स एंड शूट भी नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज फ़ोन इतना हीटेड हो रहा था कि मुझे रखना पड़ा. तो अभी का व्यू ये है
साइड का व्यू एंड सामने का व्यू आप देख लो, खुद पता लग जाएगा कि क्यों हमने गाड़ी नहीं रोकी। सो रियली सॉरी फॉर दैट। सचू टू बारा ला चला, आई वुड लाइक टू से कि बहुत ही बैड रोड कंडीशन है, बहुत ही बैड। आपको वाटर क्रॉसिंग्स दिखेंगी, कुछ आपको इतने डीप खड्डे दिखेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड 4-5 मिनट तो हमें अपनी गाड़ी निकालने में लग गए, जस्ट बिकॉज टायर जो है वो स्ट्रक हो रहा था। तो सचू टू बारा लाचला रोड कंडीशंस आर वेरी बैड, बट सुनने में आया है कि भी वंस बारा लाचला इज क्रॉस्ड द रोड कंडीशंस आर गुड, बट होप सो, फिंगर्स आर क्रॉस्ड, होप सो ऐसा ही हो। सो हम अटल टनल पहुंच चुके हैं, टाइम हुआ है 3:43 PM एंड लुक, वी आर जस्ट एंटरिंग दिस टनल नाउ। सो फाइनली इधर से, मतलब इधर आ जाओ तो इट फील्स लाइक कि हाँ अब मनाली पास ही है, नहीं तो हमने सोच रखा था कि मे बी केलोंग या जिस्पा में स्टे करेंगे अगर ज़्यादा रात हो गई तो, बट इट्स अ डे टाइम सो वी कैन रीच, लाइक 1.5 घंटे का सफ़र रह गया है सो इजीली बीत जाएगा। सो वी आर जस्ट एंट्रिंग टनल, फाइनली। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स day 6 एंड वी आर इन मनाली एंड कल हम मनाली रूम में पहुँच गए थे 5:15 बजे, लाइक पूरे 12 घंटे बाद। सो बहुत थक गए थे कल शाम के 7 बजे से सोए हुए हैं एंड आज सुबह 7 बजे उठे हैं। तो एक बात मैं बताना चाहूँगी, जो भी पंजाबी है प्योर पंजाब से, एंड यूजुअली पंजाबीज को, मोस्टली पंजाबीज आई हैव सीन, दे लव बटर मसाला डोसा, सेम आई ऑर्डर। एंड यूजुअली प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप साउथ इंडिया में जाओ या कहीं भी जाओ, यू विल गेट द डोसा एंड डोसे में आलू अगर इतने से हो ना, मज़ा नहीं आता बिल्कुल। मतलब कम ऑन यार, आलू तो ज़्यादा दो, पंजाबी है, पूरा भरा होना चाहिए पराठे की तरह डोसा भी। तो एक्स्ट्रा आलू मंगवाए हैं कि यार चल पूरा मज़ा आए, बट अपने पंजाबियों से इतने से आलू से काम नहीं चलता भाई ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं,